हे व्हाट्सअप दोस्तों, सो आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या। सो मैं आपको एकदम काफ़ी सरल भाषा में समझाऊंगा म्यूचुअल फंड है क्या, एकदम इजी वर्ड्स इजी सेंटेंसेस में समझाऊंगा ताकि आपको दूसरी वीडियो में स्किप करके यहाँ से आपको जानी ना पड़े। इस वीडियो में आपको अंत तक अभी ये वीडियो देखें, आपको आराम से समझ में आ जाएगी, राइट। सो जो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या है, जो सिंपल जो सिंपल चीज़ है उसको मैंने उसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। सो इसलिए मैंने सोचा कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या है उसके लिए एक वीडियो मैं बना देता हूँ सिंपल सरल भाषा में, ताकि एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाए। एंड काफ़ी सारे मैंने म्यूचुअल फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियोस आपको काफ़ी सारे सीरीज़ हैं मिल जाएंगे। सो म्यूचुअल फंड क्या है, राइट, ये सवाल आपके दिमाग में आ रही होगी कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। सो म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती है, जो AMCs होती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज को, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उसको हम लोग AMC बोलते हैं, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। सो ये क्या करती, ये हम लोग उसे हमसे आपसे जो इन्वेस्टमेंट जो निवेश करने में इंटरेस्टेड रखती है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है म्यूचुअल फंड में, वो क्या करती है कंपनीज, AMC कंपनीज डिफरेंट, सपोज़ ये सारा पब्लिक है, राइट, ये पब्लिक है, ये आप है, ये हम है, सब पर डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक्स, राइट, ये जो ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, राइट। सो म्यूचुअल फंड कंपनी मनी लेती है, मनी पूल करती है, राइट, हम पब्लिक से, आम पब्लिक से या इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर से, एंड ये जो रकम इकट्ठा की है, सपोज़ म्यूचुअल फंड जो कंपनी से, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या कौन सी है, सपोज़ मान लीजिए फॉर एग्जांपल के पर्पज़ में बता रहा हूँ, SBI म्यूचुअल फंड, DSP ब्लैक रॉक, ये जो कंपनी से, ये म्यूचुअल फंड कंपनी से, राइट। सो हम लोगों से, आपसे, डिफरेंट पब्लिक से जो इन्वेस्टमेंट निवेश करना चाहते हैं उसके पास से फंड इकट्ठा किए, मनी पूल किया, राइट। अब ये जो मनी है इसको डिफरेंट सेक्टर्स में इसको इन्वेस्ट निवेश करती है AMC, हम लोगों को बिहाफ से, राइट, हम लोगों को बिहाफ से ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है। सो म्यूचुअल फंड में एक रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं होती है, डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट होती है, राइट। मान लीजिए कि ये गोल्ड सेक्टर है, गोल्ड में निवेश होती है, ये लार्ज कंपनी से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इन्फोसिस, टाटा, TCS, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। स्मॉल कंपनीज, मीडियम कंपनीज, कोलगेट वगैरह, ये सब जो कंपनीज है जो गवर्नमेंट बॉन्ड से, सारे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, डाइवर्सिफाइड हो जाती है। आपका कुछ अमाउंट इस सेक्टर में लगा, कुछ अमाउंट इस सेक्टर में लगा, कुछ अमाउंट इस सेक्टर में लगा, सो इस तरह डिफरेंट सेक्टर्स में आपका फंड एलोकेट हो जाती है, राइट। सो ये था नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट जो आती है वो है कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो फंड है, अगर सपोज़ आपको कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको निवेश करनी है, या आपको सपोज़ आप चाहते हैं कि आपका जो फंड है, आपका जो म्यूचुअल फंड जो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका जो पैसा वो आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट हो, सपोज़ आप चाहते हैं कि FMCG जो कंपनीज है, मान लीजिए ब्रिटानिया, डबूर, ये सब जो कंपनी है इसमें आप निवेश करना चाहते हैं, तो FMCG का पर्टिकुलर फंड भी है। सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि डिफरेंट सारे फंड्स भी है, फंड्स इन द सेंस मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जांपल के नाते मैं बोलता हूँ SBI लार्ज कैप एक फंड है, राइट। सो इस फंड में सपोज आप निवेश करना चाहते हो, राइट, SBI म्यूचुअल फंड के जो लार्ज कैप है, SBI ब्लू चिप फंड बोला जाता है इसको, राइट, जो लार्ज कैप फंड है उसको SBI ब्लू चिप फंड बोला जाता है। सब सपोज आप लार्ज कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं तो आपको SBI ब्लू चिप में आप निवेश कर सकते हैं, हम मैं एग्जांपल के वास्ते में बोल रहा हूँ। सो लार्ज कैप कंपनीज में आप अगर निवेश करते तो ये लार्ज कंपनीज में सिर्फ निवेश करेगी, आपका जो फंड है, आपका जो पैसा, ये छोटी छोटी कंपनीज में नहीं जाएगी। सिमिलरली अगर आप FMCG कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं तो FMCG कंपनीज में निवेश कर सकते हैं, या अगर आप दूसरे सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं दूसरे सेक्टर में निवेश करना चाहते, अगर आप चाहते कि मल्टीपल एसेट क्लास में हो, सपोज उसको बोलते मल्टी कैप फंड, फॉर एग्जांपल आप चाहते कि आपका फंड छोटी कैप में भी हो, मल्टी कैप में भी हो, लार्ज कैप में भी हो, एसेट क्लास डिफरेंट सेक्टर्स में हो, सो आप उस फंड को भी चूज कर सकते हैं। डिफरेंट फंड्स AMC कंपनीज कैटेगराइज कर देती है, राइट। सो ये था नंबर टू पॉइंट।
नंबर थ्री पॉइंट, आप सोच रहे होंगे कि कौन इन्वेस्टमेंट करती है, AMC तो इन्वेस्टमेंट मनी पूल करती है, अब कौन करती है, राइट? सो डिफरेंट फंड्स का डिफरेंट फंड मैनेजर्स होता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये लार्ज कैप फंड है, SBI ब्लू चिप फंड है, राइट? सो इस फंड के लिए एक अलग फंड मैनेजर रहता है जो आपका जो फंड है, ये पर्टिकुलर जो फंड है इसको मैनेज करती है. डिफरेंट फंड्स के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स रहती है. प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जिसको नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, वो आपका फंड को निवेश करती है. नंबर फोर्थ पॉइंट जो निकल के आती है वो है कि क्या म्यूचुअल फंड कैसे चार्ज करती है आपको, राइट? आप तो निवेश कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि चार्ज तो जरूर, हाँ जरूर चार्ज करती है, थोड़ा मिनिमल चार्ज होती है, डिपेंड करती है. उसके लिए मैंने काफ़ी सारे सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोग नीचे जाके देख सकते हैं कि किस फंड के लिए कितना चार्ज लेती है म्यूचुअल फंड वगैरह, राइट? सो जो नंबर फिफ्थ पॉइंट निकल के आ रही है कि आप कितना दिन तक निवेश करना चाहते हैं या आप कब रिडीम कर सकते हैं, मैंने हर एक टॉपिक के बारे में मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ. सो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप एक साल का भी निवेश कर सकते हैं, आप 15 ईयर्स का भी निवेश कर, अनलिमिटेड ईयर के लिए भी निवेश कर सकते हैं, राइट? सो निवेश का जो पीरियड है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पीरियड तक आप निवेश करना चाहते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मैंने जितना सका मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की. फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती, फिर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ इस जो चैनल है इसको सपोर्ट कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए. खुदा हाफिज़.